नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि बैंक निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं यहाँ पे और उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप उन लेवल पर पोजीशन बनाते हो तो आपके ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होंगे एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जल्दी से चलते हैं NSE की साइट पे, जहाँ पे हम ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे और समझेंगे। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ NSE की वेबसाइट पे, जहाँ पे कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्लोजिंग की। तो 29,708 पे क्लोजिंग आई है, तो 29,708 पे क्लोजिंग आई है तो इसी चीज़ को हम समझेंगे यहाँ पे और 29,700 से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 29,700 की हम बात करते हैं पुट की। तो पुट पे देखिए 1,84,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, वहीं अगर 29,700 की कॉल की बात करते हैं तो कॉल पे 90,000 का है। तो इसका मतलब क्या है, पुट पे ज़्यादा है, कॉल्स पे कम है। वहीं अगर हम 29,800 की बात करते हैं तो 29,800 पे देखिए 1,75,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 29,800 की पुट पे, और कॉल पे कितना है 1,98,000 का। वहीं अगर मैं बात करूँ सीधा अब 30,000 की, तो 30,000 पे देखिए कितना है 55,000 का ओपन इंटरेस्ट है पुट पे, और वहीं अगर मैं 30,000 की कॉल की बात करूँ तो कॉल पे कितना है 4,71,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो ये चीज़ क्या बता रही है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट तरीके से बता रही है कि 30,000 इस सीरीज़ में भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो 30,500 के बाद 30,000 के लेवल पे है जो कि कॉल पे है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे सपोर्ट की और देखा जाए तो पुट पे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो करीब 29,500 पे है जो कि 2,94,000 का है, और उसके बाद अगर बात किया जाए तो वो सीधा सीधा 29,000 पे है जहाँ पे 2,69,000 का है। तो ये चीज़ बता रही है कि पुट राइटर्स अब थोड़ा सा बैक फुट पे चले गए हैं, पुट राइटर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे बैंक निफ्टी में तेज़ी करने की। तो ये चीज़ क्लियरिटी यहाँ पे दिख रही है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि 30,000 के पास आपको क्या करना है, 30,000 के पास या 30,100 30,200 के आसपास आप एक शॉर्ट कॉल लेके काम करिए, पुट लेके काम करिए, जो कि आपको एक ये चीज़ बताएगी कि आपको किस तरीके से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट तरीका रहेगा आपके लिए कि मंदी में रहिए, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, वो एक रेजिस्टेंस का लेवल है, वही चीज़ सेम है। 29,500 पे के लेवल पे आपको क्या चाहिए, 29,500 के लेवल पे आपको चाहिए कि आप एक कॉल लेके काम करिए और तेजी में रहिए, क्योंकि वो एक सपोर्ट का जोन है, वहाँ पे बैंक निफ्टी बाउंस कर जाता है। तो आपको इन दोनों पॉइंट पे आपको फोकस रखना है, और अगर आप इन दोनों पॉइंट पे फोकस होकर अगर आप काम करोगे तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट कमा जाओगे। तो ये चीज़ इस पर्टिकुलर बैंक निफ्टी के डाटा में दिख रहा है। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।